दोस्तों कहते हैं फुर्सत ही महंगी है, फुर्सत ही महंगी है, वरना सुकून तो इतना सस्ता है कि चाय की प्याली में भी मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डीएलएड मिशन इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2020 में होने जा रही है, इसके लिए आप लोगों को लगातार स्पेशल मिक्स्ड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये सेट प्रैक्टिस आपका 5 है जो आपका यूनिक से चल रहा है। लगभग शाम 7 बजे के आसपास प्रत्येक दिन कोशिश करते हैं कि लाइव आए और किसी किसी दिन नेट समस्या के कारण नहीं हो पाती है, तो इसलिए पहले से ही क्वेश्चन तैयार करके अपलोड कर देते हैं। तो आप सभी शाम 7 बजे प्रतिदिन ज़रूर आ जाया कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपका पहला सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी से आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, टोटल 90 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक क्वेश्चन पर एक मार्क्स आपका निगेटिव चला जाएगा। हिंदी में आपका जो है व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आपका गद्य पद रह सकता है, कुछ लेखक लेखिकाओं के नाम रह सकते हैं या उनसे जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके आप अच्छे से तैयारी करें। विभिन्न प्रकार के बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पर लेखक लेखिकाओं का एक संग्रह आपको मिल जाता है तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन व्याकरण को आप प्राथमिकता जरूर दीजिए, व्याकरण को आप जरूर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, विपरार्थक शब्द आपको चुनना है, परोक्ष का विपरार्थक क्या होगा, नवागत या फिर पाक्षिक या फिर जिज्ञासु या फिर प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। परोक्ष का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, इसे कहते हैं परोक्ष, जो पड़ा हुआ है हमसे। दिए गए विकल्प में से इसका अगर उचित ऑप्शन अगर चुने तो प्रत्यक्ष मतलब आपको तो पता चल गया है, अप्रत्यक्ष परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष और इसका विपरार्थक क्या हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जो शुद्ध शब्द है उसको आपको चयन करना है, संस्कार 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 या फिर संस्कार क्या होगा। तो दोस्तों, संस्कार जो आपका आता है बी नंबर का सही हो जाएगा, संस्कार। आप सभी कमेंट भी करते चलिए जिससे कि आपका भी मोटिवेशन बना रहे क्वेश्चन के ऊपर और आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ में आएगी भी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, दिए गए शब्द का पर्यायवाची मतलब होता है उसके समान जैसा जो है, जैसे बादल, बादल को क्या कह सकते हैं, घन घर आकाश या फिर घट, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, बादल को घन भी कहा जाता है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। दिए गए वाक्य का हुआ भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब आप लाइन को अच्छे से पहले सुन लीजिए, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, तो कहाँ पर गलती है वह आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, वो ऑप्शन आप देखिए, यह है कि, यह है कि, ये तो सेम है। इसके बाद है सबसे बड़ा अंतर कहाँ पर गलत है, लिखित और मौखिक भाषा में या फिर लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो दोस्तों, सही प्रयोग क्या होना चाहिए इसका, लिखित भाषा अनुशासन की मांग, जहाँ पर यहाँ पर की लग गया, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता नहीं है बल्कि करती है, क्या करती है मांग करती है, तो जो कि आपका गलत है करता, तो इस तरह से डी आंसर इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे कि चांदी की हथकड़ी, चांदी की हथकड़ी काला पर जाती है, तो काला पर जाती है, तो हथकड़ी काला पर जाती है, तो इसका सही उपयोग क्या होगा? हथकड़ी कलियां पर जाती है, कालियां पर जाती है, या हथकड़ी काली पर जाता है, हथकड़ी काला पर जाता है, हथकड़ी काली पर जाती है, क्या होगा? तो दोस्तों हथकड़ी काली, जैसे ही यहाँ पर जाती है लगाया हुआ है तो आप यहाँ यूज कीजिए काली, ठीक ना। हथकड़ी काली पर जाती है, हथकड़ी है तो जाती है, तो काली यहाँ पर हो जाना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर अगर लें तो किसमें है ऑप्शन आप देख लीजिए, काली पर जाती है, तो आपका डी नंबर का 5 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मोहन, सचेत, जरा, मरण। जीवन जो अजीवन हो, ठीक ऐसा कह सकते हैं, जो जीवन नहीं हो यानी कि अजीवन हो, मतलब कि मरण आपका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, आपके दर्शन डैश हैं, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, पानी है, सामने है, या फिर कल है। कहते हैं आपका दर्शन हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो जब बहुत बड़ा काम हो जाएगा तो वो कठिनाई से मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्लभ है, बहुत कठिन है आपका दर्शन, तो आपके दर्शन दुर्लभ है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ऐसा कह सकते हैं, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, निर्यात या निर्यात या फिर निर्यात या फिर निर्यात, क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों नौहर्षि का या रेप तो होता है, डी नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, मतलब एक शब्द बनाना है अनेक शब्द के बदले। आकाश को छूने वाला क्या होगा? खगोलीय कहलाएगा, आकाशीय कहलाएगा, गगनचुंबी या गगन। तो दोस्तों हम लोग बराबर यूज भी करते हैं गगनचुंबी, ठीक ना, गगन को चुमने वाला, आकाश को चुमने वाला या छूने वाला गगनचुंबी, ऐसा नहीं है कि वास्तव में छूता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। अब यहाँ पर कहाँ पर गलती है आपको ढूंढना है। अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, मतलब कि जो जितना हम गलती हैं तो उससे हम परेशान नहीं हैं, दूसरों की गलतियाँ या त्रुटियों को देखकर हम ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। तो कहाँ पर गलती है? पीड़ित थे वे अधिक दूसरों का व्यथा से या अपने से अधिक। वाक्य कहाँ गलत है उसका चयन आपको करना है, ठीक ना। तो दोस्तों दूसरों का व्यथा से, यहाँ पर दूसरों का व्यथा से है तो दूसरों का व्यथा से नहीं होना चाहिए, दूसरों की व्यथा से होनी चाहिए, तो सी नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, क्या होगा? अधिक जनसंख्या भारत के लिए नियम है, त्रिशादी है या त्रासदी है कह सकते हैं, अभिशाप है या फिर मोक्ष है। तो कोई भी देश के लिए अधिक जनसंख्या जो है अच्छा खबर तो नहीं हो सकता है, अच्छा संदेश तो नहीं हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं एक अभिशाप के रूप में है, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, जागरण, जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? अनिंद्रा, सचेत, जागना या फिर निंद्रा। तो जागरण, जागरण मतलब होता है जागना, ऐसा कह सकते हैं, तो मतलब इसका जस्ट उल्टा, निंद्रा डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। फास्ट दोस्तों आप सभी कमेंट जरूर कीजिए, इससे आपका ध्यान क्वेश्चन की तरफ रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है या विकल्प का चयन करना है। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। तो कहाँ पर त्रुटि है? यहाँ पर आगरा गई थी, यहाँ पर, यहाँ आगरा पर आ गई, या फिर वहाँ से आगरा गई थी, वहाँ पर आगरा गई थी। तो जो इसमें सही होगा इस लाइन पर, उसे आपको चूज करना है। बताइए क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ से आगरा गई थी, ये गलत वाक्य है। आपको हो जाएगा, जब मैं कल दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, तो वहाँ से होना चाहिए, यहाँ से नहीं, मतलब जयपुर चले गए हैं तो वहाँ से आगरा गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर वहाँ से आगरा गई थी सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द, दोस्तों ये सब कॉमन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर बचपन से कॉन्शियस रहते तो आज हमको इसके लिए दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता। जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भागा जो हम लोग सीखते हैं, या टेबल सीखते हैं, जो बचपन में सीख चुके हैं टेबल, या एप्पल का स्पेलिंग हम बचपन में सीख चुके हैं, अभी तक नहीं भूले हैं। टेलीफोन, एलिफेंट, एलिफेंट, अम्ब्रेला, ये सब कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि उसे हम बचपन से थोड़ा बहुत ध्यान में रखे हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, अभी नहीं भी पढ़ते हैं तो भी याद है। उसी तरह से व्याकरण का कुछ भाग है जिसको आप अगर नज़र में रखते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हाथ होगा, पत्र होगा, पानी होगा, या पत्ता होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पानी मतलब हाथ होता है, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आज मौसम बहुत दुर्गंध है, बीमार है, सुहाना है, सुगंध है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वैसे तो मौसम कुछ भी हो सकता है, तो उपयुक्त शब्द हम ले लेंगे सुहाना है, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है? सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य है, या फिर असाधारण वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स्ड है। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ, ये तो पहला हो गया। उसके बाद रिजल्ट आया कि वह फेल हो गया, ठीक? तो दो टाइप से हो गया, मिश्रित वाक्य ले सकते हैं, बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर विसर्ग संधि है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर परोपकार में गुण संधि हो जाएगा, ये होता है पर जोर उपकार होता है परोपकार, ठीक ना? तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। आगे देखते हैं, रामायण, रामायण का कौन सा शब्द विच्छेदित रूप में है? बताइए रामायण का कौन सा शब्द है जो विच्छेदित रूप में है? रम जोर आयन, रामा जोर यन, या फिर राम जोर अयन, या फिर राम जोर एयन, क्या होगा? दोस्तों कमेंट भी आप सभी जरूर करते चलिए और इसका जवाब दीजिए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों रामायण है, रामायण, तो राम अलग हो जाएगा, अयन अलग हो जाएगा, ठीक ना? तो इस तरह से सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 19 में है, सूर सागर की भाषा है, सूर सागर की भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, या फिर भोजपुरी है? सुर सागर की भाषा क्या है? तो दोस्तों सुर सागर की भाषा जो लिया है, ब्रज लिया है। अगला है, सुंदरता, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? सुंदरता शब्द में सुंदर से सुंदरता, भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक?
बिल्कुल दोस्तों, सुंदरता ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ए नंबर का सही हो जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडिताइन, पंडिती, या फिर पंडितानी, या फिर पंडितानी। दोस्तों इसे हम लोग नॉर्मल में पंडिताइन बोलते हैं, इसका आंसर पंडितानी लिया है, पंडिताइन ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? व मतलब दंतोष्ठ्य कहा जाता है, व बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर हैं, और इसमें बताइए कितना वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 43 वर्ण हैं। इसके बाद जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रत्यय या उपसर्ग, समास अव्यय तो होगा नहीं, प्रत्यय या वर्ग, उपवर्ग, उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग को जो है शुरू में जोड़ा जाता है और प्रत्यय को लास्ट में जोड़ा जाता है, तो लास्ट में हो जाएगा सी नंबर का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? अग्नि, मयूर, तेंदुआ या फिर सूरज? तो दोस्तों देशज शब्द जो हो जाएगा तेंदुआ, सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? हल, अच, लुत, मूर्धन्य। व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हल के नाम से जाना जाता है, लो हलंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचानन शब्द में कौन सा समास है बताइए? पंचानन शब्द में कौन सा समास है? समास है कर्मधारय होगा, द्वंद होगा, बहुव्रीहि होगा या फिर द्विगु होगा? तो दोस्तों जिसका पहला जो है पद संख्यावाचक होता है तो वो आपका द्विगु में होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है पंचानन अर्थात किसी और को कहा गया है, जैसे कि दशानंद होता है अर्थात रावण, नीलंबर होता है नीलकंठ होता है अर्थात शिवजी, तो इस तरह से इसका हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। आगे हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक क्या है? लेखक क है, इक है, आक है या अक है, कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक, अक प्रत्यय है, डी नंबर का सही हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मौन का विलोम शब्द मयंक है, विकार है, मुखर है या फिर मौखिक है? तो दोस्तों मौन का विलोम शब्द हो जाएगा मुखर। क्या हो जाएगा? मुखर सही जवाब। अगला है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? वार्षिक, मासिक, पाक्षिक या फिर साप्ताहिक? तो दोस्तों जो 15 दिन में पत्रिका छपता है उसे पाक्षिक कहा जाता है, सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। और इस तरह से मैथ का भी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, और मैथ का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम मैथमेटिक्स का सीरीज भी ला रहे हैं, तो क्योंकि आप सभी बहुत कम पसंद करते हैं, हम बहुत बार वीडियो में देख भी चुके हैं और बोल भी दिए हैं, तो इस तरह से आप खुद से कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, इसमें पूछा गया है अधिकतम मान, तो आप जो हैं 11th में पढ़े होंगे या 12th में भी पढ़े होंगे, मिनिमा मैक्सिमा जब आप इसे y मान लेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स आप निकालिएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10x हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक। तो -10 0 से छोटा है तो आप x का वैल्यू आप 1 रखिएगा आप इसमें, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 17, तो 17 में से 5 जगह क्या हो जाएगा 12, तो इस तरह से इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं,
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए तो आप जानते होंगे परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, तो बम में यूरेनियम का भी यूज होता है, लेकिन वो एकाएक जो है विस्फोट होता है, जो धीरे धीरे विस्फोट होता है वो जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग। U92 होता है और 235 होता है, तो द्रव्यमान हो जाता है 235 और इसका परमाणु संख्या हो जाता है 92। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने वाला दवाई इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या होगा? तो दोस्तों चूहा मारने के लिए रेड्रोसाइट नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण कैसे होता है? पोटेशियम साइनाइड जो होता है नमक, ये रसायन से किया जाता है उत्पादन। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। अगला है, पीतल धातु में कौन सी धातुएं होती है? तो मिश्र धातु से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है पीतल में कौन कौन सी धातु मिले हुए होते हैं। तो दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल धातु, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, इसका उपयोग जो है तार के रूप में भी करते हैं, मशीन का पुर्जा पार्ट बनाने के रूप में भी करते हैं। अगला है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या फिर एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक नाम जान लीजिए होता क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आप जानते ही होंगे, ठीक ना? तो यह एंटा या एंटीपेरेटिक होता है और यह एनालॉजिक दोनों प्रकार से के कष्टों के निवारण के फलस्वरूप जो है ये जो है बनता है, यह सफ़ेद परत सब परत होता है, वृक्ष की छाल से भी प्राप्त किया जाता है और इसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है एस्पिरिन। तो इस तरह से ये कहाँ से मिलती है? तो वृक्ष के छाल से, तो सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा? दोस्तों यह है क्या, यह एक प्रोटीन है, यह पशुओं की पेशी कोशिका में पाया जाता है। यह क्या है? एक प्रोटीन है जो पशु की पेशी कोशिका में पाया जाता है, ऑक्सीजन का भंडार इकाई के रूप में भी यह कार्य करता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह है क्या? तो दोस्तों लोहा है, यह एक प्रकार का क्या है, लोहा है, इसे हेम भी कहा जाता है, हेम समूह को ही लोहा कहा जाता है, ठीक ना? तो डी नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से तो पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, तो इस तरह से बनेगा क्या दोस्तों, जल बनेगा, ठीक, और यह विस्फोट के साथ है, ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर आकाश? तो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारा से या चंद्रमा से, क्या होगा दोस्तों? तो महासागर में जो तरंगे उत्पन्न होती है ये होती है चंद्रमा से। कैसे होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा इसका चंद्रमा ही लिया है, इसलिए हम चंद्रमा लिए हैं, आप इसे चेक भी कर लीजिएगा। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से? अम्ल वर्षा, अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना अम्ल वर्षा कहलाता है। इसमें जो है CO2, SO2, NO2, इसके बाद आपका N2O जो होता है, ये भी आपको जो है प्रदूषण इत्यादि के रूप में होती है जो वर्षा के समय गिरती है, तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कारखानों से, ठीक ना? सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में,
तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक भाग नाइट्रिक एसिड मिश्रण में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और अनुपात HNO3 होता है, तो यह जो है इसका तीन भाग रहता है, इसका एक भाग रहता है, तो 3:1 में जो इसका मिश्रण होगा उसमें सोना घुल जाता है, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसे अगर कहे तो इसे और भी नाम कहा जाता है, आप सुने होंगे अम्लराज का नाम, ठीक ना, अम्लराज का नाम सुने होंगे, तो यही है अम्लराज और इसमें सोना आराम से घुल जाता है। आगे है आपका श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणु को दौलित करके। जैसे कि रात में हम बल्ब जलाते हैं, तो कैसे बल्ब जलाते हैं, तो वो भी तो अंधेरा ही है ना, तो श्वेत प्रकाश प्राप्त करते हैं तंतु, बल्ब में क्या होता है, तंतु होता है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, संपिंडित गैस छोड़ने से, रसोई गैस से या फिर ठोस को पिघलाने से। कमरे को ठंडे करना है तो संपिंडित गैस को छोड़ना होगा, जैसे कि हो गया एसी कूलर जो होता है, ये संपिंडित गैस ही छोड़ता है, एसी हो गया, कूलर हो गया, जिससे कमरे का अन्य स्थान को भी ठंडा किया जा सकता है। ठीक, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, जब प्रिज्म से होकर के प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आगे है लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड क्या होती है, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर। तो दोस्तों आवर्तकाल का नाम आप सुने होंगे, टाइम पीरियड, तो आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है, 2π होता है और वर्गमूल लगा दीजिए L/g होता है, ठीक ना, तो ये होता है आपका टी आवर्तकाल इक्वल टू। तो यहाँ पर टी आप देख रहे हैं किसके समानुपाती है, तो टी समानुपाती है एल के, लंबाई के समानुपाती है। ठीक, तो यह लंबाई पर निर्भर करता है, वर्गमूल के लंबाई पर, लंबाई का वर्गमूल पर निर्भर करता है, तो आप इसे कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तैरने के तालाब में, ये क्वेश्चन समझ से थोड़ा बाहर आ रही है, तैरने के तालाब में देखिए होता क्या है कि तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण है तैरने वाले तालाब में होता क्या है, क्लोरीन होती है, यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस होती है, क्लोरीन संयुक्त अवस्था में साधारण नमक के रूप में पाया जाता है, आपको पता ही है, इसलिए तैरने में क्या होता है, मनुष्य की त्वचा जल जाती है तैरने के तालाब में, तो इसका क्लोरीन के कारण हो जाएगा, बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आगे है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तब जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होगा, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% या फिर 80% क्या होगा? तो जैसे कि कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा, जैसे कि आपका मोटर हो गया, पंखा हो गया, तो पंखा क्या होता है, बिजली से चलती है, तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में जो क्षय होता है वो आपका 30% विद्युत ऊर्जा खत्म हो जाती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, ऐसा कह सकते हैं। शक्कर के किण्वन फर्मेंटेशन जो होता है इससे क्या बनता है, तो दोस्तों जब भी शक्कर बनता है तो आपको पता है किण्वन नाम आ जाए ना तो समझ लीजिए इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा, इथाइल अल्कोहल का निर्माण हुआ तो समझ लीजिए वह किण्वन फर्मेंटेशन कहलाएगा, तो ए नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र, रक्त दाब को किस में मापा जाता है बताइए, स्फिग्मोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमीटर, स्फीरोमीटर है यहाँ या फिर ए मीटर, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा स्फिग्मोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक
कौन था बताइए। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेगनिंग होता है इसी तरह से। तो राडार का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अब है आपका सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन को भी साथ कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, बताइए कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज को धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया था, आपको पता है। यह जो है 1828 ईस्वी में स्थापना किया था, 1828 ईस्वी में, और 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ये सब जो थे ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, केशव सेन चंद्र ने। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुहतसिब कौन था? सेना अधिकारी किसको कहा जाता था? मुहतसिब सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी, क्या होगा? तो दोस्तों इस पद का जो सृजन जो किया गया था वह औरंगजेब द्वारा किया गया था, ठीक। उसके बाद शरियत, आप नाम सुने होंगे, शरियत के विपरीत कार्य करने वाले को रोकना था, आम जनता को दुष्चरित्र होने से बचाना था, सार्वजनिक सदाचार की निगरानी करना था, शराब हो गया भांग का उपयोग पर रोक लगाना था। तो इसके लिए पद का सृजन किया गया था मुहतसिब, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया अब आप बताइए? तो आप सुन लिए, लोक आचरण अधिकारी, सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी, वह जो है देख रेख करते थे। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर आक्रमण किए थे, बारह सौ चौरानवे में। उस समय रामचंद्र देवगिरी का राजा था, कौन? रामचंद्र। तो इस तरह से ए नंबर का इसका सही जवाब। आगे है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलवंत? तो रजिया सुल्तान, ये महिला है। बताइए तो दोस्तों 84 का क्या हो जाएगा सही जवाब? गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते ही हैं, और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब से कब रहा? जो कि 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। तो इस तरह से प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कनिष्ठ के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्ठ के शासन काल में बौद्ध सभा, तो दोस्तों इसका जवाब आपको इससे एक पिछले वीडियो में भी आपको मिल गया था, ठीक ना। तो कनिष्ठ के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था, 101 ईस्वी में कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, ठीक ना। कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, और वो कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, कुंडल वन में। तो इस तरह से आगे है आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज इसकी पुस्तक का नाम क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इंडिका, बिल्कुल सही जवाब है। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस टाइप के पुस्तक जो भी है आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, वानभट्ट इनके लेखक हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अभी इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लीजिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बिल्कुल दोस्तों विशाखा दत्त हो जाएगा, विशाखा दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का कार्य क्या है? सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना या उपर्युक्त सभी? नौकरशाही का कार्य क्या है बताइए? नौकरशाही का कार्य क्या है?
तो दोस्तों नौकर शाही एक कह सकते हैं राजा ही है नौकर शाही, ठीक ना, क्या है राजा, जिसे आप राजा कहते हैं। तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, जनता की सहायता करना, सभी कार्य हो जाएंगे। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके माध्यम से की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। अनुशीलन समिति क्या थी बताइए, अनुशीलन समिति क्या थी? नारी के नारी उत्थान के प्रति समर्पित था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में ठीक ना, बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था। आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ, ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये सभी क्या है, गवर्नर है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ, ठीक ना, प्रकोष्ठ। आगे है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो दोस्तों इसकी स्थापना जान लीजिए कब हुआ था, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के नेता बने थे जो कि लाल पाल घोष थे, ठीक ना, तो लाला लाजपत राय बने थे, ठीक। इन्होंने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई का अधिवेशन अध्यक्षता भी किया था, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आगे है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 के समय, ठीक ना। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो विंस्टन का नाम सुने होंगे, चर्चिल का नाम, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चर्चिल थे। आगे है आपका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिल वस्तु में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला धर्म प्रवर्तन चक्र जो है कह सकते हैं एक तरह से गाथा या प्रथा कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सारनाथ में पहला अपना प्रवर्तन दिया था और यहीं से अपना शुरुआत भी किया था धर्म परिवर्तन का। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब तो बाद में पाटलिपुत्र हुआ, पहले था राजगिरी, गिरी वर्ज, ठीक ना। तो 98 का क्या हो जाएगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिज वर्ज थी, बाद में उदयन ने राजधानी को गिरिज वर्ज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो वो कौन स्थानित किए थे, तो उदयन नामक शासक किए थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है बताइए, भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, जो अधिकार को लागू कर सकता है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है, किसको ये अधिकार दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है बताइए,
लोकसभा, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो महाभियोग द्वारा हटाया, डायरेक्ट आप नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग चलाना होगा। यह प्रक्रिया न्यायिक होता है और राजनीतिक भी होता है। तो बताइए कि किसको जो है दिया गया है, जो हटा सकता है, किसको पावर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से रीड कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। केवल आप एक्सेलेंट, आशीष या फिर कर सकते हैं अग्रवाल का या फिर यूनिक का, केवल ये सब बुक पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा तैयारी में इससे संबंधित क्वेश्चन आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। हम आपको बताए थे ITI या फिर पॉलिटेक्निक का बुक आपके पास है तो पॉलिटेक्निक के बुक में आपको मैथ और साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। क्या पढ़ना है, टोटल सिलेबस आपको पॉलिटेक्निक के बुक में मैथ और साइंस का मिल जाएगा। ITI का अगर आपके पास है तो मैथ साइंस के साथ आपको सोशल साइंस का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। जरूर तीन सब्जेक्ट आपका ITI और पॉलिटेक्निक से क्लियर हो जाएगा, सेम टू सेम आपका सिलेबस ITI पॉलिटेक्निक का रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं फिर से पार्ट 6 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को और सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से इस वीडियो का नोटिफिकेशन या इस तरह के जितने भी वीडियो अपलोड होगा सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगी। धन्यवाद।